हाँ जी बेटा, अज आपां जिहड़ा टॉपिक स्टार्ट करना है वह है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये 8th टॉपिक आ पार्टनरशिप चैप्टर का। ये आपां पहला देखो पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फर्म दी टाइप्स, मतलब जो फॉर्म्स होंदियां ने उन्हां दी टाइप्स कहड़ियां सी वो अगे आपां डिस्कस कीतियां सीगियां। बट हुण पार्टनर किन्ने टाइप के होंदे ने, जिहड़े इहदे विच ऐड होए हुए परसन होंदे ने वो किन्ने टाइप के होंदे ने, तां द वेरियस काइंड ऑफ पार्टनरस आर एज फॉलोज। तो जो पार्टनरस ने वो हुण आपां वन बाय वन डिस्कस करांगे। फस्ट वन इज़ एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, अ पार्टनर हू टेक्स एक्टिव पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। वो परसन जिहड़ा डेली बेसिस से बिजनेस के कम करता, मतलब डेली आके उत्थे मैनेजमेंट के हिस्सा लैंदा वा, उन्हों से बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। ही इज फुल टाइम वर्किंग पार्टनर। फुल टाइम वर्किंग मतलब सवेर तो शाम तक वो आपका जो बिजनेस फॉर्म आके काम करता। नैक्सट देखो ये इन एडिशन टू शेयर द प्रॉफिट्स ही मे ऑलसो समटाइम गैट सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट। हुण देखो उहदा हिस्सेदारी हैगी आ कादे विच, प्रॉफिट्स दे विच। जिन्ना प्रॉफिट ज़्यादा हो जिहड़ा उहने इनवैसटमेंट कीती उहदे हिसाब नाल उहनूं प्रॉफिट मिलेगा। बट कई बार वह सैलरी भी लैंदा डिपेंड करदा अग्रीमेंट ते, ठीक है, जिहड़ा उहनां ने कीता होया। नाउ इत्थे जिहड़े आ इन्हां ने शो कीता, तुसीं भी इस तरीके नाल पेपर दे विच शो कर सकदे हो, ठीक आ, भी जिहड़े काइंड्स ऑफ पार्टनरस ने किहड़े किहड़े ने, ठीक आ। पहला है जिवें एक्टिव पार्टनर, फिर स्लीपिंग, नॉमिनल पार्टनर इन प्रॉफिट, पार्टनर बाय एस्टॉपल, सब पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है। हुण आपां सैकेंड टाइप आ जिहड़ी उहो डिस्कस करदे हां। सैकेंड इज़ स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। अ स्लीपिंग पार्टनर ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसिज ऑफ द बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर वह पार्टनर हुंदा वा जिहड़ा बिजनेस दे विच आपदा सहयोग दिंदा पैसे दे रूप दे विच, ते प्रॉफिट ते लॉस शेयर करदा। ही डज नॉट टेक एनी पार्ट इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। डेली बेसिस ते बिजनेस च की काम हो रहा उहदे विच उह हिस्सा नहीं लैंदा। द लाइबिलिटी ऑफ द स्लीपिंग पार्टनर इज़ अनलिमिटड, उहदी लाइबिलिटी अनलिमिटड हुंदी आ। ही इज़ बाउंड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द अदर पार्टनरस। बाकी पार्टनरस की डील करदे आ कंपनी तों बाहर, सॉरी फर्म तों बाहर जाके, तो वह सारे कामों नाल इह भी बाउंड हुंदा। जिहड़ियां एक्टिविटीज़ वह करदे आ, कोई डील करके आया, किसी ने कोई अग्रीमेंट करके आया, तो उहदे नाल इह बाउंड हुंदा, मतलब उहदे नाल इह जुड़ जाता, ठीक है। बट ये डे टू डे वर्किंग च हिस्सा नहीं लैंदा। थर्ड टाइप है नॉमिनल पार्टनर। ए नॉमिनल पार्टनर डज नॉट इनवैसट मनी इन द बिजनेस, सो डज नॉट शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसिज ऑफ द बिजनेस। नॉमिनल पार्टनर वह पार्टनर हुंदा है जिहड़ा बिजनेस दे विच आपदा पैसा इनवैसट नहीं करता, ना ही वह प्रॉफिट शेयर करता, ना ही वह लॉस शेयर करता। ईवन ही डज नॉट टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। हुण ना ही वह बिजनेस दे विच की करता वा, कोई पार्टीसपेट करता बिजनेस के किसी काम के। ही इज़ नोन एज अ पार्टनर टू अदरस बिकॉज हिज नेम इज़ यूज बाय द फर्म। बाकी लोगों के लिए वो एक पार्टनर आ, ठीक है, आउटसाइडर लोगों के लिए वो एक पार्टनर आ। क्यों? बिकॉज जी फर्म आ वो सिर्फ वह नेम यूज़ कर रही है, वो परसन ने परमिशन दी होगी, ठीक है, भी मेरा नेम तुसी यूज़ कर सकते हो, मे बी वैल रिप्यूटेड कोई परसन होगा। ही ऑलसो हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड इज़ लाइबल टू द आउटसाइडर फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। हुण देखो उन्हें आपका नेम यूज़ कर अलाउ करता फर्म, ठीक है। सो दैट मीनस लोगों को तो यही है भी यह इस कंपनी का ज इस फर्म का की आ पार्टनर आ, ठीक है। सो इस करके उसकी लाइबिलिटी की रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, तो जिन्हें भी उन्हें डेट्स देने आउटसाइडरस, ठीक है, किने फर्म ने, तो यह परसन भी उसके लिए लाइबल होगा, मतलब देनदार होगा। फोर्थ है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। दीज टाइप ऑफ पार्टनरस ओनली इंजॉय द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बट डज नॉट शेयर द लॉसिज ऑफ द बिजनेस। इस तरह के जो पार्टनर होंगे ने कल्ले प्रॉफिट्स में ही की करते हैं, शेयर करते हैं, जबकि लॉस साढ़े बिजनेस के शेयर नहीं करते। दे कॉन्ट्रीब्यूट देयर कैपिटल फॉर द बिजनेस एंड देयर लाइबिलिटी इज ऑलसो अनलिमिटेड। ये आपका पैसा भी इनवैसट करते हैं, इन्हें लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होंगी है, बट डेली बेसिस से या कोई भी बिजनेस में घाटा पैंता तो वह घाटा ये शेयर नहीं करते, ठीक है, मतलब ये पे नहीं करते। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो डेली बेसिस से पार्टीसपेट भी नहीं करते, ठीक है। नैक्सट है पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। वैन अ परसन इज नॉट अ पार्टनर बट ही बिहेव लाइक अ पार्टनर एंड कंडक्ट इन सच अ मैनर विच लीड्स द थर्ड पार्टीज टू बिलीव दैट ही इज़ अ पार्टनर। जो एक परसन किसी कंपनी के इस तरह ज फर्म के इस तरह बिहेव करे भी जिमें वह पार्टनर हों, ठीक है। सो इस तरीके दे नाल वह दूजे लोगों के मूहे पेश आए, ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब जिन्होंने आप डील कर जा रहे हैं, थर्ड पार्टी को यह विश्वास हो जाए भी ये इतों का पार्टनर है। ही बिकम्स फुली लाइबल टू दोज पार्टीज़ हू डील विद हिम
विद द फर्म ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ दैट परसन बीइंग अ पार्टनर इन द बिजनेस। सो ये वो परसन हुंदा वा जे हुण मान लो कोई थर्ड पार्टी समझ लैंदी है भी हाँ तुसीं वो फर्म दे पार्टनर हो, समझ के इहदे नाल कोई डील कर लैंदे आ बिजनेस की, ठीक है, दैट मीनस फिर ये लाइबल है क्योंकि इन्हें वो कंपनी का नेम यूज़ करके की किया वा कोई डील की है, ठीक है। प्रिजम्पशन हुंदा मान लेना, मतलब मन के चली है ना थर्ड पार्टी भी हाँ ये साडा एक पर्टिकुलर फर्म का एक पार्टनर आ, ये समझ के डील की उन्होंने, ता करके फिर वो परसन भी लाइबल होगा बिजनेस के लिए। नैक्सट हैगा सिक्स्थ सीक्रेट पार्टनर, ये नेम तो ही क्लीयर आ, सच टाइप ऑफ पार्टनर डज नॉट वॉन्ट टू डिसकलोज हिज एग्जिस्टेंस इन द पार्टनरशिप फॉर्म बट इन रियलिटी ही इज़ अ फुल पार्टनर एंड टेक्स एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म। सो ये सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होंदा जिहड़ा आपकी आइडेंटिटी या आपके बारे कोई भी गल डिसकलोज नहीं करता, डिसकलोज ना दसना, ठीक है, आपकी एग्जिस्टेंस आपकी होंद नूं डिसकलोज नहीं करता, बट असल दे विच रियलिटी दे विच फुल पार्टनर हुंदा, एक्टिव पार्टनर हुंदा ते बिजनेस दे विच डेली बेसिस ते पार्टिसिपेट करता। लाइक अदर पार्टनर्स हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड इज़ फुली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। बाकी पार्टनर्स की तरह ही इसकी जी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हुंदी आ, ते जिन्ने भी फर्म के डेट्स होंगे ये उन्होंने लिए प्रोपरली जां कहिंदे फुली लाइबल हुंदा, देनदार हुंदा। सैवंथ पॉइंट देखो, सैवंथ टाइप है सब पार्टनर। When a partner gives a part of his share to anybody else, then he creates a relationship not between sub-partner and the firm, but between him and the other partner. Sub-partner is not liable for the debts of the firm. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 20% ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਫਰਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ 20% ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਿਆ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਇਬਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਐਜ਼ ਆ ਪਾਰਟਨਰ। ਅ ਮਾਈਨਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਯੈਟ ਅਟੇਨ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 18 ਈਅਰਸ। ਮਾਈਨਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਟੂ ਐਂਟਰ ਇਨ ਟੂ ਅ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਸੋ ਹੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਰਟਨਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਫੋਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਟ ਹਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਟੂ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।